नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन पर हम लोग हैं। आज मेरे पास थोड़ा सा समय बचा था तो मैंने सोचा एटलीस्ट एक छोटा सा वीडियो हम लोग शेयर कर लें ताकि हमारे नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक फिनिश हो जाए बेटा। ये जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिल्कवर्म से रिलेटेड है बेटा। ओके, अब सिल्कवर्म से रिलेटेड इस टॉपिक को हम लोग बायो की भाषा में बोलेंगे। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर इज डिफाइंड एज रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी सिल्कवॉर्म का हम लोग ख्याल रखेंगे। क्यों ख्याल रखेंगे? ताकि दुआ मिलेगी भगवान की हमको। नहीं नहीं नहीं, इंसान बड़ा मतलबी है, बहुत ही खुदगर्ज, बहुत ही सेल्फिश है। हर ख्याल रखने के पीछे वो अपना फायदा देखता है। सो यहां इंसान सिल्कवर्म का ख्याल इसलिए रख रहा है ताकि उसको क्या मिल सके, वी आर डूइंग इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क से कैसे ना अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। ये जो धागा है, ओके, सिल्क एक तरह का थ्रेड हो जाता है बेटा, एक तरह का धागा हो जाता है जिससे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। इसीलिए हम लोग है ना रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म करते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे जरूरी बात हमको ये याद रखना है कि ये जो ऑक्यूपेशन है, ये जो व्यवसाय है, इस तरह का जो धंधा है, उसका फायदा क्या है बेटा? उसका एडवांटेज ये है कि इसमें देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट, यानी इस धंधे में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता बेटा। ओके, अच्छा दूसरी बात यह है कि इसको तुम स्मॉल स्पेस में भी कर सकते हो, छोटी सी जगह में भी ये पूरे के पूरे सेरिकल्चर के बिजनेस को तुम कर सकते हो बेटा। अच्छा, तीसरी सबसे जरूरी बात ये है कि इवन ओल्डर पीपल कैन डू दिस जॉब, बूढ़े लोग भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। बूढ़े लोग जैसे तू और मैं? नहीं 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 सर, हम लोग कर सकता है क्या? नहीं, हम लोग थोड़ी बूढ़ा है बेटा। सर तो यंग लोग नहीं कर सकते? अरे बूढ़े लोग कर सकते हैं तो यंग लोग भी कर सकते हैं। ओके, एनीवे जोक्स अपार्ट, मजाक नहीं करने का, ध्यान देने का, बूढ़े लोग इस ऑक्यूपेशन को कर सकते हैं। और तो और बच्चों कैसा है ना, जो लोग डिसेबल है और जो लोग हैंडीकैप है, वो लोग भी इस जॉब को कर सकते हैं। डिसेबल्ड और हैंडीकैप, यानी अगर समझो किसी कारणवश अगर किसी के हाथ पैर में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग हाथ पैर नहीं चला पा रहे हैं, अपाहिज हो चुके हैं, ओके राइट, किसी तरह का डिसेबिलिटी है, किसी तरह का बीमारी है जिसके वजह से वो लोग हाथ पैर नहीं चला पाते हैं इतना, सो वैसे लोग भी इस धंधे को कर सकते हैं बेटा। ओके, अच्छा अब इसमें मेन एमसीक्यू के हिसाब से क्या बात याद रखने का, अपने को सबसे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क जो मिलता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का जो सिल्क मिलता है ना, उसको बोलते हैं मलबरी सिल्क। मलबरी ना पेड़ का नाम है, ओके, सो मलबरी सिल्क जो होता है ना, उसके जो पत्ते होते हैं, उसके जो लीफ होते हैं, ओके राइट, उस लीफ को है ना ये सिल्कवर्म के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लार्वा होते हैं ना, वो उसको खाते हैं और उसको खा के ये बड़े होते हैं। सो मलबरी लीफ का क्वालिटी अच्छा रहेगा ना तो सिल्क का क्वालिटी भी अच्छा मिलता है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क वी गेट, दैट इज कॉल्ड एज मलबरी सिल्क। और मलबरी सिल्क जिस कीड़े से मिलता है ना, उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोराय। बॉम्बिक्स मोराय, ओके। अच्छा, फिर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क थोड़ा कम अच्छा क्वालिटी है ना सिल्क का,
वो है टसार सिल्क एंड एरी सिल्क। नेक्स्ट सर, ये सिल्क का क्वालिटी किस पर डिपेंड करता है? सो द क्वालिटी ऑफ सिल्क डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मलबरी लीफ। ओके, चलो दो जरूरी बात और, कि ये जो सिल्क है ना, सिल्क वर्म, उसको यूजुअली जब भी हम लोग ये धंधा करते हैं ना, तो हमको इन कीड़ों को बचाना पड़ता है। किससे किससे बचाना पड़ता है? एक, इनको इन्फेक्शन लग सकता है, जो वायरस की वजह से हो सकता है बेटा, जो फंगस की वजह से हो सकता है, और प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। फिर इनके शिकारी, इनके प्रीडेटर्स कौन कौन है? सो एंट्स, क्रोस एंड अदर बर्ड्स। सो एंट्स, क्रोस एंड अदर बर्ड्स से है ना इनको बचाने का, क्योंकि ये लोग इनको खा जाते हैं। तो इनका जो केजेस जो है, जिस एरिया में जहां आप ये सब कर रहे हो, तो वो एरिया में से आपको एंट्स, क्रोस और अदर बर्ड्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये लोग सिल्क को खा जाएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे आपके ऑक्यूपेशन को। ओके, सो इतने बेसिक पॉइंट है। अगर हम लोग डायग्राम की तरफ चले और एक लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करें, तो होता ये है कि दिस इज दी अडल्ट फीमेल, जो बटरफ्लाई की तरह ही दिखती है बेटा। ओके, ये एक अडल्ट मेल के साथ रिप्रोड्यूस करती है, ब्रीडिंग करती है बेटा, और ब्रीडिंग करने के बाद ये अंडे देती है। ओके, और ये अंडे कौन से लीफ के ऊपर दिए गए हैं? मलबरी लीफ के ऊपर। सो दीज आर दी एग्स ऑन दी मलबरी लीफ। फिर ये अंडे जब फूटते हैं, इसमें से जो कीड़ा निकलता है, लार्वा बोलते हैं बेटा उसको। ओके, उसमें से एक लार्वा हमने यहां ड्रॉ किया है जो मैच्योर हो चुका है, इसको हम बोलेंगे मैच्योर कैटरपिलर। और ये जो लार्वा है, इसी मलबरी लीफ को खाता है। ओके, सो वी विल राइट ओवर हियर लार्वा फीड्स ऑन मलबरी लीफ। मलबरी लीफ को खा खा के फिर ये बड़ा हो जाता है। अब ये जो एक मैच्योर कैटरपिलर है, इसके बॉडी पार्ट्स का नेमिंग आना चाहिए। यहां पीछे की तरफ एक हॉर्न जैसा पार्ट है, इसको हम बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न। आगे उसका थोरैसिक एरिया है और ये उसका एब्डोमेन वाला हिस्सा है। थोरैसिक यानी हमारा कैसे चेस्ट वाला एरिया रहता है, थोरैसिक, फिर पेट वाला एब्डोमिनल एरिया, वैसे थोरैसिक एरिया में जो लेग्स है ना, उसको हम बोलेंगे थोरैसिक ट्रू लेग्स। और ये जो पीछे की तरफ पैर है और ये वाला हिस्सा, दीज आर एब्डोमिनल स्यूडो लेग्स। स्यूडो का मतलब फॉल्स बेटा, बिकॉज दीज आर नॉट वेल डेवलप्ड। ओके, अच्छा, फिर यहां इनके साइड्स में छोटा छोटा ओपनिंग है फॉर गैस एक्सचेंज। जैसे कॉकरोच के बॉडी में हम लोग ने पढ़ा है, साइड्स में ओपनिंग होता है फॉर गैस एक्सचेंज। इस ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे स्पाइरेटल्स। आगे वाला जो हिस्सा है वो इसका हेड है। तो यहां नेमिंग खत्म हुआ एक मैच्योर कैटरपिलर का। अब ये कैटरपिलर कैसा है ना, ये लार्वल स्टेज। ओके, धीरे धीरे ये बड़ा होते जाता है, बड़ा होने के बाद थोड़ा विकसित हो जाता है, और विकसित होने के बाद ये एक और स्टेज में जाता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। ओके, और फिर धीरे धीरे ये क्या करता है ना, अपने आजू बाजू में स्टिकी डिस्चार्ज, ओके, एकदम चिकट चिकट पानी जैसा लिक्विड रिलीज करता है, और वो जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आता है ना, फिर ये सूख जाता है,
और सूखने के बाद ये पूरा का पूरा गोल ऐसा कवच बन जाता है बेटा। ओके, इस गोल कवच को हम लोग बोलेंगे ककून। तो दिस इज ककून। अब ये ककून के अंदर कीड़ा है और वो कीड़ा क्या कर रहा है, वो है ना आराम कर रहा है और धीरे धीरे और विकसित हो रहा है, और ज्यादा ग्रो और डेवलप हो रहा है। ओके, सो ककून कैसा ना उसका कवच बन गया है। अब बात ऐसी है कि अंदर जैसे ही वो और विकसित होगा उसको पंख आने लगेंगे धीरे धीरे, फिर ये ककून को फाड़ के यानी ककून को तोड़ के उड़ जाता है बेटा, और तब जाके वो अडल्ट मेच्योर मेल और फीमेल में विकसित होता है। अब ये जो ककून है ना, इंसान ने देखा कि इस ककून को अगर हम लोग धूप में एक्सपोज करवा दे रहे, ओके, या तो इसको गर्म पानी में हम लोग डालें, तो गर्म पानी में डालने के बाद इसमें से धागे अलग हो जाते हैं। पर बात ये है जब ककून टूटा रहेगा ना तो हमको आधा आधा धागा मिलता है। इसलिए अब इंसान क्या करता है सेरिकल्चर में कि इस पूरे के पूरे साइकिल में जैसे ही ककून स्टेज होता है, ओके, तो उसको अडल्ट बनने नहीं दिया जाता है, सारे ऐसे ककून को लेके गर्म पानी में डुबो दिया जाता है। ओके, जिसके वजह से पूरे के पूरे जो सिल्क के धागे हैं ना वो छुट्टे हो जाते हैं और हमको कंटिन्यूअस थ्रेड मिलता है, लंबा थ्रेड मिलता है। ओके सर, पर ये तो गलत है, वो ककून के अंदर कीड़ा है उसका क्या होगा सर? हाँ, वो मार दिया जाता है। मैंने बोला ना इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, सेल्फिश है। इमेजिन यही अगर हम लोग इंसान के साथ करे तो, सुनने में ये एनिमल हस्बेंड्री अच्छा लगता है, बट सोचो अगर ह्यूमन हस्बेंड्री होता तो, राइट? ओके, तुम है ना एक कवच के अंदर है, तुम बच्चू है, तुम विकसित हो रहे हो और तुमको कोई खोलते पानी में डाल दिया, राइट? तुम्हारा डेथ हो गया और आजू बाजू का जो कवच है, ओके, उसको सुखा के उसके धागों से कपड़ा बना के पहन रहा है, सिल्क का कपड़ा। सो एनीवे, बायो ज्यादा डिटेल में सीखेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा बेटा। ओके, बट इसका रियल फैक्ट यही है, यही सच्चाई है कि हम लोग ककून को डुबो देते हैं बेटा, फिर जाके अल्टीमेटली कैसा हमको सिल्क मिलता है, और ककून अगर फाड़ के उड़ गया तो अडल्ट फीमेल में विकसित हो जाता है। इस पूरे सिल्क वर्म में है ना टोटल चार मेन स्टेजेस है उसके जिंदगी के। ओके, जो पहला स्टेज है ना वो एग वाला स्टेज है। ओके, सेकेंड स्टेज इसके जिंदगी का जो है वो है लार्वल स्टेज, उसमें मेच्योर को कैटरपिलर बोलते हैं। थर्ड स्टेज को हम लोग प्यूपा बोलते हैं बेटा, और फोर्थ जो अडल्ट स्टेज है ना, अडल्ट स्टेज को भी एक नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज इमैगो, ये याद रखो। सो दैट इज स्टेज नंबर फोर। सो एग, लार्वा, प्यूपा, इमैगो। ओके बेटा, ऑलराइट, मूविंग ऑन। इसका मेन टाइटल डाल दें, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क। चलिए दैट्स ऑल बच्चों, इसका फोटो ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट सिल्कवर्म, जहां हम लोग ने सिल्कवर्म के सुपीरियर क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी के बारे में पढ़ा और उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। ओके, इस लेक्चर के सारे डिटेलिंग को याद रखना, ये आपको नीट एग्जाम में भी काम आएगा और ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।